तो गाइस ये हमारा आ गया एरो का एग्जॉस्ट, इसमें डीबी कलर भी है, अपनी मर्जी से आप आवाज इसमें बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। सो गाइस जो हमारी लिंक पाइप है वो लग चुकी है, ये रहा हमारा एग्जॉस्ट एरो का, ये हम लगा देते हैं अब यहाँ पर फटाफट से। हाय हाय क्या बात है कि एयर फिल्टर जो है वो निकल चुका है, ये अब डल रहा है भाई इसमें। गाइस फाइनली जो ये बाइक है जो कनेक्ट होगी हुई है अभी। ओ भाई ये देखिए थी। सो हेलो गाइज, कैसे हम सब, आई होप सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। तो गाइज ये व्लॉग मुझे बनाना नहीं था बट फिर भी बनाना पड़ रहा है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो गाइज सभी को राम राम करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। देखो गाइज आगे पड़े हैं भाई कार्ड और भाई पीछे भी पूरे कार्ड 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 पड़े हैं। आप सबको जैसे जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि यार मेरी बहन की शादी है। तो गाइज सीन ये है कि यार आपको जैसे सबको मतलब पता ही ऑलमोस्ट सबको कि मेरे यार पापा नहीं है, ठीक है, तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है घर का, तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो कार्ड्स वगैरह ये वो अभी सारे दोस्तों को कह रहा हूँ कार्ड्स देना है, तो वो सब करना पड़ रहा है, तो बड़ा ना मुश्किल सा हो रहा है। तो उसके बावजूद एक सीन चल रहा है गाइस कि लोग यार व्यूज के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई। मैंने देखी भाई एक बंदा बोल रहा है जानू भाई पे लग गई FIR। मैं भाई परेशान हो गया, मैंने कहा भाई कौन सी FIR लगी मेरे पे। तो अपना भाई ऐसी यार फेक न्यूज मत बनाओ यार, कुछ भी मत बोलो यार, मतलब क्या यार कुछ भी यार। मेरे घर पे शादी चल रही है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं भाई कौन सी FIR लगी है तेरे पे ये वो। मैंने कहा भाई कोई FIR वगैरह नहीं लगी है, तो यार ऐसा मत करो यार, पता क्या बड़ी टेंशन हो जाती है। आप चलो कोई बंदे व्यूज के लिए कुछ भी बोल देते हैं बट आप मत सुना करो, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, कोई FIR वगैरह नहीं लगी। बाकी गाइस अभी हम जा रहे हैं अलियान को कार्ड देने, बाकी बंदों को मैंने कार्ड दे दिया था, तो चलते हैं आज करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। आज मैं थोड़ा सा मोटर व्लॉग भी करूंगा क्योंकि उसके बाद हम कर नहीं पाएंगे, तो चलते हैं गाइस फटाफट से। ये देखी थी अपनी टोटल लॉस। क्या दिन चल रहे हैं यार। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यार ये रही अपनी ज़ीनोसो न्यू, ठीक है। अभी भाई इसने एग्जॉस्ट लाया था, एग्जॉस्ट भी पूरा छिल गया, ये आप देख रहे हो ये इंजन क्रैंक कवर है और भाई ये इसमें हो चुका है शेद, ये दिख रहा है आपको भाई, ये शेद हो चुका है, मतलब पूरी बाइक की ऐसी तैसी फिर गई यार। न्यू बाइक थे भी ये देखो यार, बाकी ये बॉडी चेक करो, इस साइड का पार्ट ही उड़ गया भाई, साइड वाला फ्रंट से ये देखो भाई, ये भाई क्या बोलूँ यार, मतलब इसने कुछ नहीं छोड़ा भाई, बाइक का इंजन तक भाई फट गया, देख रहे हो भाई, ये भी एक कुत्ते करके हो गया यार। चलो कोई चक्कर नहीं, बाकी उस क्या ही कर सकते हैं, बट भाई बाइकें जब हम लेते हैं ना यार बड़ी मेहनत से लेते हैं, और जब ये हो जाए ना भाई इसका दुख है भाई बहुत ज़्यादा यार। भाई मैं तो घबरा ही गया था, साथ में टैंकी भी इसकी गई यार पूरी, न्यू बाइक है यार अभी चली, ये देखो अभी चली पता कितनी है, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको 483 किलोमीटर चली है, और 483 किलोमीटर में ये देख लो क्या हो गया भाई, पूरे टापे वगैरह सब कुछ टूट गए हुए हैं यार। अर्जुन भाई दुख तो होता है यार, है ना, जिस देखो यार हम मैं ड्रीम होते हैं यार, ये ड्रीम होती है भाई, बाइक के ड्रीम होती हैं, और ये हाल देखो यार। गाइस जो मर्जी है यार, ठीक है, पर दुख बड़ा होता है यार कि अपना बाइक जब टूटती है ना यार, और भाई न्यू बाइक यार, मेरी भाई हल्की सी गिरी थी, मैं परेशान हो गया था ना बेचारी यार, पूरी बाइक ही टूट गई यार। चलो कोई नहीं यार गाइस, बाकी ये सब चलता रहता है, ये लाइफ के पार्ट है यार ये सब। मेरा चैनल डिलीट हो गया, बाइक की बाइक टूट गई, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में यार हमें डील करनी पड़ती है, ना चाह कर भी। चलो ये चलता रहता है, बाकी यार चेक कर लो यार। सो हे गाइस आज है Day 2, और भाई देखो यार आप सब ना पहले तो भाई गुस्सा मत होना कि भाई मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ रोज़, क्योंकि भाई ये देखो जैसा आप सबको पता ही यार मेरी बहन की शादी है, तो भाई मैं उसी में बिजी हूँ यार, बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है, बट मैंने आज भाई टाइम निकाला है व्लॉग बनाने का। तो मैं अभी पता कहाँ जा रहा हूँ, चलो आपको बता ही देता हूँ गाइस, आज हम खर्चने जा रहे हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किस पे खर्चने जा रहे जानू भाई, यही क्वेश्चन है। टाइटल और थंबनेल से पता लग ही गया होगा, टाइटल और थंबनेल से पता लग ही गया होगा। तो आज हम अपनी बाइक जो हमारी गुंगी होगी है भाई उसमें आवाज डालने जा रहे हैं ना,
ठीक है। और भाई हो सकता है मैं आज उसकी सर्विस भी करा लूँ, उसमें BMC का एयर फिल्टर भी डला लूँ, जो जो भी जरूरी चीज़ें हैं मतलब पिकअप वगैरह के लिए वो सब हम करवा लें। तो पहले यार गुस्सा मत होना, बाइक को सपोर्ट करना, ठीक है यार। शादी है तो इस वजह से भाई घर पे कोई और काम करने वाला नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो भाई मुझे सारा कुछ देखना पड़ता है, इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी यार सीन ये है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि गाइज आपको बहन की शादी वाले मैरिज वाले ब्लॉग देखना है, तो मैं वो भी डाल दूंगा। और अगर आप कमेंट करोगे कि भाई नहीं वो मत डालो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे क्वालिटी कंटेंट देता हूँ यार, मेरे को क्वांटिटी पे बिलीव नहीं है, क्वालिटी पे बिलीव है। तो जब कुछ हो ही नहीं ब्लॉग में तो मैं डालता ही नहीं ब्लॉग, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइज फटाफट से, निकालते बाइक बाहर। सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको ऐसे आपके बारे में बताने जा रहा हूँ, कर देते हैं हम कोल्ड स्टार्ट। हमारे पास एक और छोटी बाइक भी है, जा कर रहे हो तो कर देते हैं भाई इसको कोल्ड स्टार्ट। ओ भाई तो गाइस अभी तो स्टॉक आवाज़ है, इतनी आवाज़ वगैरह नहीं आ रही होगी, बट आज भाई तबाही हो गई इसमें कोई तबाही। सो गाइस हमने अपनी हेडशॉट को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे हमारे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर आ गए हैं फिर से। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी ओके हो, क्या हाल है आपका, ठीक हो? नया चैनल सब्सक्राइब किया क्या बात। तो गाइस आपने भी अगर ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपको पता है पिछला चैनल मेरा डिलीट कर दिया हुआ यूट्यूब वालों ने, जिसमें अप्रॉक्स 1 मिलियन होने वाले थे। फाइनली आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और यार हम जा रहे हैं फैंटो फैन, देखिए भाई 10 RV की सी ऐसी फैक्ट्री जाम में से भाई ऐसे निकल रहा हूँ। सो गाइस बात यार ये थी कि अगर आप यार 10K कमेंट कर दोगे ना इस वाली वीडियो पे, तो ही भाई मैं जो है वो मैरिज वाले मतलब कि व्लॉग करूँगा, आपको पता चल जाएगा मतलब कौन कौन रिलेटिव है, ये वो सारा A to Z अपनी फैमिली का। तो बताना यार आप चाहते हो देखना मैरिज वाले भी ब्लॉग्स, तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, इतने दिन से तो भाई बारिश ही हो रही है जम्मू में, तो इसलिए मैंने सोचा भाई आज ब्लॉग बनाने ज़रूर निकलते हैं। बाकी यार वो देखो सिद्धू भाई ऐसी थार जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है भाई, पीछे पूरा वही वाला एंगल लगाया वो भाई ने। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम जिद्रा, ये देख लो भाई अपना स्टैंड पॉइंट। यार अभी तो आपको पता है बहन की शादी कर रही है, मेरा मन था कि यार मैं ट्यूब लेके आऊँ और एक बार स्टंट शूट करूँ, बड़ी देर होगी भाई, ठीक है। लास्ट मैंने प्रतीक्षा के सामने किए थे, बट वो भी नॉर्मली थे, कोई इतने मतलब कि वो किए नहीं मैंने। तो अभी तो मेरी ड्यूक पे हैंड ब्रेक वगैरह भी लगने वाली है, तो उसके बाद तो भाई तबाही वाले स्टंट्स होंगे। तो बस जल्दी से बहन की शादी से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद स्टंट्स वगैरह करेंगे अच्छे से। बट मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ यार, पता है बीच रोड में आप देखो मैं यहाँ पे ना स्टंट्स मारना शुरू कर दूँ तो भाई मैं गलत हूँ, गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं देखूँ, कुछ नहीं देखूँ आगे, तो वो भाई गलत है। आपको भी यही सजेशन है कि यार जब भी स्टंट्स वगैरह करते हो ना तो खाली प्लेस ढूंढ लिया करो, मतलब कि कोई खाली जगह ढूंढ लिया करो जहाँ आपको भी नुकसान ना हो, किसी और को भी नुकसान नहीं हो। क्योंकि जो स्टंट राइडिंग होती है इसमें क्रैश बहुत नॉर्मल सी बात है, क्रैश होते रहते हैं। तो क्रैश के बाद भाई बाइक नीचे से जब निकलती है तो आगे जाके किसी को बच जाए तो क्या फ़ायदा है ना। तो आप भी भाई कोई खाली जगह पे गया करो अगर करने भी होते हैं तो। बाकी गाइस हम पहुंचने वाले हैं बिटशॉप, तो भाई आज मोटा खर्चा होने वाला है, एक तो भाई बहन की शादी है, दूसरा भाई यहाँ पे खर्चा, क्योंकि भाई ये ज़रूरी था, क्योंकि मैंने बाइक लेने से पहले ही ऑर्डर कर दिया हुआ था ये भाई सामान। तो आपने बड़े एरो के एग्जॉस्ट देखे होंगे, पर भाई मेरा वाला अलग है, क्योंकि भाई इसमें कार्बन फाइबर टिप वगैरह सब कुछ आती है। तो आपने देखा होगा नॉर्मल से एग्जॉस्ट लगे होते एरो के, तो वो थोड़े सस्ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा लिया। चलते हैं गाइस फटाफट से पिट स्टॉप। गाइस फाइनली हम अपने पिट स्टॉप पे पहुँच गए, से पहुँच चुके हैं। क्या हाल है, ठीक हो? कहाँ घूम रहे हो? हाँ क्या बात है, क्या बात है, चलो आ जाओ। सुबह हम जा रहे हैं ऊपर, ये क्या चक्कर, कौन शोन लगा दिया? गाइस फाइनली ये रही हमारी बाइक, हम आ चुके हैं पिट स्टॉप में और बुरान भैया हमारे लिए ले आए हैं सामान सारा। क्या हाल है बुरान भैया? तो बुरान भैया ने हमें सारा चीज स्पॉन्सर कर दिया। ओ ये क्या बोल रहा हूँ, जस्ट जोकिंग गाइस। तो ये देख लो यार अभी हमारी बाइक में जो फिल्टर है वगैरह ये सारे चेंज होने हैं। ये देखो BMC का भाई हम एयर फिल्टर डालने वाले हैं और एरो का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डालने वाले हैं। इसमें कैड रिमूव होगा बुरान भैया? कैड पूरा रिमूव होगा भाई, पूरा फुल सिस्टम डलेगा। कहीं कहीं बंदे हैं जो भाई वो डाल देते हैं स्लिप ऑन, उसमें इतनी आवाज नहीं आती। हाँ कोडिंग वगैरह सब कुछ करवानी है आज हमने बाइक की, तो देख लो वेल्वेट्रॉनिक भी रिमूव कराएंगे। जो जो भी भाई 10R होता है, जिनके पास 10R ऑन करते हैं या जानने की भाई मतलब इसमें क्या क्या है क्या नहीं वो इच्छा रखते हैं, तो मैं आज पूरा बता दूंगा भाई क्या क्या सिस्टम होता है जब इसमें एग्जॉस्ट वगैरह डलता है। तो ये रहा हमारा एरो का एग्जॉस्ट, तो अब करते हैं गाइस फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग। गाइस अभी हम करने वाले हैं एरो की इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो भाई यार जो ओरिजिनल आता है ना ये बिल्कुल सील पैक वगैरह में आता है भैया, इसके साथ कार्बन फाइबर टिप वगैरह भी आती है ना, तो वो जो बिना कार्बन फाइबर टिप वाला एग्जॉस्ट होता है वो सस्ता होता है। हाँ जी वो सस्ता होता है जो मतलब कि 98,000 का एग्जॉस्ट है और इफ यू बाय थ्रू राइट चैनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट
और कुछ लोग स्टेनलेस स्टील का टाइटेनियम बोल के भी बेच रहे हैं, तो मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज आती है, कुछ फेक है, कुछ रेप्लिका है, कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल भी डिफरेंट क्वालिटीज के आते हैं। हाँ, हमारी कौन सी वाली क्वालिटी है? हाई एंड। सो गाइस, ये हाई एंड क्वालिटी का एग्जॉस्ट है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी क्वालिटी का आता है, कहीं भाई 60,000 का भी है, कहीं 50,000 का भी है, कहीं लाख का भी है, कहीं 1.5 लाख का भी है। तो वो अपना 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 चॉइस है कि भाई हमने कौन सा लगाना है। तो हम भाई सबसे हाई एंड लगा रहे हैं, हमें कोई नहीं है कि यार रेड रूट पे हम नहीं करते, कि बस ये है यार हमें ना चीज़ बढ़िया चाहिए, क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, तो अब ये देखो हमारा BMC का भाई एयर फिल्टर, तो ये भी आज डलने वाला है। तो भैया ये BMC का ही सबसे बढ़िया है या किसी और का भी है? BMC का अच्छा है, कन्वेंशनल भाई। ऐसा ऐसा सीन है, देख लो, बाकी अभी एग्जॉस्ट लगना है, तो अभी करते हैं भाई इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग। चलो क्या करें गाइस, पैसा शोर मचाता तो आपको बताएंगे भाई पैसा शोर कैसे मचाता है। अपनी मर्जी से आप आवाज इसमें बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी है। बाकी ये देखो, जिस कार्बन फाइबर टिप की मैंने आपसे बात की थी, वेट देखो इसका, ये बिल्कुल लाइट है ना, बाइक का आपका वेट भी शेड होगा, आपकी हॉर्स पावर भी बढ़ेगी। अप्रोक्सीमेटली ये 213 हॉर्स पावर हो जानी चाहिए इसको फुल। यस, वेट फॉर इट। तो गाइस फाइनली ना, मैं अभी आपको इसी स्टॉक साइलेंसर की आवाज सुना देता हूँ एक बारी। तो ये है इसकी कुछ एग्जॉस्ट साइलेंसर की आवाज। तो अभी इसमें एरो और पाइपे पूरी डलेंगी भाई, तो अब देखते हैं भाई क्या साउंड निकालती है गाइस ये। सो गाइस फाइनली हमारी वर्कशॉप पे बाइक आ चुकी है और लिफ्ट किट पे चढ़ चुकी है। तो अभी सबसे पहले इसकी सर्विस वगैरह होने वाली है, देख रहे हो भाई अभी ऊपर जा रही है बाइक। गाइस फाइनली पहली बारी हमारी बाइक के नट खुल रहे हैं, तो यहाँ बुरान भी है, शूट चल रहा है। क्या बात है, ओहो ऑयल निकल रहा भाई, काला हो चुका है, क्या चक्कर हो गया भैया 600 किलोमीटर पे काला? ये ऑयल का क्वालिटी इतना चलने के लिए ही है, इस फर्स्ट सर्विस पे ऑयल ड्रेन करना है। सो गाइस ऑयल ड्रेन हो रहा है इसका, अब इसमें नया ऑयल डलेगा, तो वो भी अच्छा वाला ना, कावासाकी ऑथेंटिक है ना। सो गाइस पहली बार नट खुल रहे हैं बाइक के, बड़ा दुख सा हो रहा है यार भैया, क्या करें यार, खुलवाने पड़ेंगे। भैया हेडर्स के नट क्यों खोल रहे हो? इधर ऑयल फिल्टर वगैरह होता है, ऑयल यहाँ से ऑयल वगैरह जो सारा कुछ ड्रेन हो चुका है, अब यहाँ से हमने निकाल दिया भाई ऑयल फिल्टर। तो भैया ये ऑयल फिल्टर जो है नया डलेगा भी? हाँ जी, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, आपका ऑयल रिप्लेस होगा, ये चीज़ भी ऑयल डलेगा, ऑथेंटिक ऑयल्स, ऑथेंटिक ऑयल डलेगा इसमें, जो भाई सूटेबल है इसको, मतलब जो ग्रेड वगैरह डलता है इसमें वही डलेगा ना। सो गाइस फाइनली इसमें ऑयल वगैरह जो वो डल रहा है। तो गाइस फाइनली सर्विस वगैरह हो गई है, और भाई अब इसकी बारी है एग्जॉस्ट चेंज करने की। फुली एक्साइटेड हूँ भाई, कैसी आवाज़ आएगी कैसी नहीं, कुछ भाई आइडिया नहीं है, और अब आवाज़ तो भाई आनी चाहिए तगड़ी। तो ये हमारा जो सिलेंसर है वो निकल गया भाई, क्या बात है, वो बॉक्स में डाल दो भैया, क्या बात है, चक्कर होगा इस। देखो ये वेल्वेट ऑन किया आपका, हाँ जी जी, ये देख रहे हैं, हाँ जी जी, हाँ ये वॉल्व है इसके अंदर, देख लो गाइस दिख रहा होगा आपको भी, ये घूमता है ना, इसकी वायर्स भी निकालनी है, पहले इसकी वायर डिटैच करो फिर इसको आउट करो। ओके ओके, तो गाइस ये भी इसकी वायर डिटैच होंगी, तो वेल्वेट्रॉनिक है ये, 3000 RPM के जब ऊपर जाता है तब ये ओपन होता है ना, है ना, एयर फ्लो के लिए, एयर फ्लो के लिए खुलता है, तो तभी इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है, वरना इसमें साइलेंट रहता है। तो ये भी हम रिमूव करेंगे, इससे भाई डबल आवाज़ आएगी, क्या भैया फ्लो हो जाएगा, फी फ्लो स्टॉक है, ये कलर चेंज हो गया, दिस इज टाइटेनियम हेडर, हाँ जी जी जी, नॉर्मली ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम यहाँ पे एक लिंक पाइप डाल रहे हैं जो इसको बाईपास कर देगी पूरे को, अच्छा अच्छा अच्छा, बफर डाल रहे हैं, क्या बात, फुल फ्री फ्लो हो जाएगा आपका, एंड द एयर इनटेक विल चेंज बिकॉज़ एयर फिल्टर की प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट है स्टॉक एयर फिल्टर से। सो गाइस इतना तो अभी आपको बता के भाई को नॉलेज नहीं है, पर जो भी बोले वो ठीक ही होगा, काम कराते हैं। अर्जुन भाई एक्साइटेड, अर्जुन भाई बहुत एक्साइटेड रहते हैं यार, अभी हम शोर मचाएगी भाई, हमारी जो हेड शॉट है वो शोर मचाएगी, क्या बात है। तो गाइस एग्जॉस्ट में पहले भी लगा सकता था, बट बड़े बंदों ने बोला कि फर्स्ट सर्विस के बाद लगा, तो वो फिर एक मन में वहम रह जाना था पूरी उम्र, तो मैंने कहा चल कोई नहीं फर्स्ट सर्विस के बाद ही लगाते हैं क्या। सो गाइस अभी ये वेल्वेट्रॉनिक की वायर्स वगैरह जो यहाँ पे निकल के, और यहाँ पे हमारा सक्शन भी आ चुका है, वो कहता आपने आगे देखा यार इसका एक्सीडेंट हुआ कल, तो बहुत भाई गलत सीन हुआ, चलो कोई नहीं भाई क्या कर सकते हैं, अब
अब हम इसके साथ जाएंगे कंपनी वगैरह जो भी है इसकी बाइक वगैरह ठीक करेंगे, क्लेम वगैरह लेंगे। बट सीन ये था यार गाइस, उसमें नंबर भी नहीं लगा था यार, मेन चीज़ ये थी गाइस। ये क्या हुआ, हमारी जो टैंकी डुंकी है वो भैया ने रिमूव कर दी हुई है, तो अंदर से कुछ 80 टन आ रही, इतनी सी है भाई देख रहे हो। सो गाइस फाइनली एयर फिल्टर जो है वो निकल चुका है, ये अब डल रहा है भाई इसमें। ओ भाई ये तो गिल्ला हो चुका है भैया, ये क्या, अच्छा पेट्रोल है, पानी है। सो गाइस अब इसमें ये डलेगा बीएमसी का एयर फिल्टर, ये स्टिकर जो है बीएमसी एयर फिल्टर का ये लगने वाला है भाई इसके ऊपर। गाइस फाइनली यहाँ पर जो अपनी बाइक की सर्विस कर रहा है, एयर फिल्टर वगैरह सारा चेंज हो चुका है, बस अब काम रह गया जो है वो इसके एग्जॉस्ट का। तो फटाफट से अब डलवाते हैं, आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से भाई इसका चेंज करवाते हैं। सो गाइस फाइनली अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी रिमूव हो रहा है, तो ये देखो भाई ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं भैया, कैटलिक कन्वर्टर हमारा निकल चुका है भाई। सो गाइस फाइनली ये रहा अपना एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है, वो अब लग रही है भाई इसकी, ये लग रहा है भाई अब इसका एग्जॉस्ट। हमारी लिंक पाइप है वो लग चुकी है, ये रहा हमारा एग्जॉस्ट एरो का, ये हम लगा देते हैं अब यहाँ पर फटाफट से। हाय हाय क्या बात है। सो गाइस फाइनली हमारा एग्जॉस्ट जो है वो फिट हो चुका है। इसके बाद भाई इसकी जो फेयरिंग है, फेयरिंग वगैरह जो खुली हुई है ये पड़ी हुई है, ये लगेगी साइड पे। अभी भैया ने मुझे एक चीज़ बताई कि यार अगर ये छोटी सी फेयरिंग जो है ना ये टूट जाएगी तो ये कितने की है भैया, 3 लाख। सो गाइस 3 लाख रुपए की अगर ये इसमें हल्का सा स्क्रैच आ जाए, ड्यूक डाइसो की भाई हमारे साइड के टापे टूटते हैं तो हम उसके डलाते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये में, भाई 3.5 लाख रुपये की फेयरिंग है भाई, ये सिर्फ प्लास्टिक का पार्ट, देख रहे हो भाई इसके और है भाई। गाइस मैंने आपको एक कार्बन फाइबर वाली चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में ही, तो यार ये है ओरिजिनल कार्बन फाइबर, चेक कर लो यार आप, ये ओरिजिनल है, सोडा का ओरिजिनल है। तो गाइस ये पकड़ने के बाद भाई मुझे पता चला है कि भाई ओरिजिनल कार्बन फाइबर कितना लाइट वेट होता है यार। गाइस फाइनली हमारा एग्जॉस्ट वगैरह जो है वो फिट कर दिया बुरहान भैया ने, तो थैंक यू बुरहान भैया सो मच, इतना सही काम किया भाई क्या बताऊँ। काम कराने में कहीं से भी करा सकता था, पर यार हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं, बस अब इसका देर आवाज़ सुनने की, और उससे पहले हमने इसमें करनी है कोडिंग, है ना। एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले भाई हम इस पर इसको लैपटॉप लगा कर जो भी कोडिंग वगैरह वगैरह करेंगे उसके बाद हम इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ पे 3 घंटे तो अप्रॉक्स मुझे लगी है, तो उसके बाद सारा काम जो है वो बाइक का हो चुका है। तो भाई अब हमने इसकी डीबी कलर भी रिमूव कर दिया, तो करो भैया ब्रांड भी इसको स्टार्ट। आर यू सीरियस? यस करो भाई इनको स्टार्ट। ओ भाई क्या बात है यार, क्या बात है, क्या साउंड आ रही है यार, बढ़िया तगड़ी साउंड आ रही है, क्या बोलते हो? गाइस फाइनली जो ये बाइक है जो कनेक्ट होगी हुई है अभी, तो अब देखते हैं भैया वो कर रहे हैं यार जो भी होता है सीन, मुझे इतना इसके बारे में नॉलेज कुछ नहीं है, देख रहे हो गाइस नो सर्विस कोड। बाकी भैया पावर कमांडर 5 डालना चाहिए इसमें? हाँ डालना चाहिए, अभी थोड़ी देर चलाओ तो इसमें डायनो जेट का डाल देंगे, पावर कमांडर नहीं डालेंगे, इससे बेटर वाला डाल देंगे। ठीक है। सो गाइस अभी इससे बेटर वाला कुछ डाल देंगे तो वो नहीं डालेंगे। तो ये भैया ने कुछ स्टिकर्स और ये हमें किचन दिया, तो यू शुड फॉलो पिट्स ऑफ जम्मू, भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर आप बाहर से भी हो कहीं से तो आप इनके पास आओगे तो बहुत बेस्ट काम करेंगे भाई, देख लो। गाइस फाइनली जो इसमें एग्जॉस्ट वगैरह वो लग चुका है। ओ भाई तो अब चलते हैं गाइस, इसके एक राइड लेते हैं, देखते हैं भाई कैसे साउंड करती है बाइक। भाई नो मैच, बहुत ही प्यारी साउंड आ रही है यार गाइस, अभी और खींचते हैं। ओ भाई क्या साउंड है यार गाइस, नो मैच भाई, पैसा शोर मचाता है यार गाइस। कहां तक साउंड आ रही थी? बड़ी ज्यादा
नहीं यार। सो गाइस अभी मैंने अपनी बाइक की राइड मारी और भाई क्या तो भाई आवाज कर रही है यार। नो मैच भाई, नो मैच यार। अभी तक गाड़ी नहीं। बहुत ही प्यारी भाई, बहुत ही प्यारी, अमेजिंग। और होप सो आपको भी सुनने में मजा आया होगा यार। और भाई अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना यार। बाकी यार एक बार लुक भी चेक करना कि भाई आपने बहुत एरो के एग्जॉस्ट देखे होंगे बट ये वाला कैसा, बताना गाइस। ये वाला एग्जॉस्ट आप मुझे बताओ कैसा है, जिसमें भाई ये कार्बन फाइबर की टिप आती है एरो की और ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है भाई। तो ये बताना आप यार कमेंट करके कि कैसा लग रहा है गाइस और इसकी आवाज़ कैसी है। बाकी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता भाई, और ये तो कार्बन फाइबर है, ये तो बिल्कुल गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो बताना भाई कैसा लगा आपको। सो व्लॉग कर देते हैं यार गाइस इसी के साथ यहीं पे एंड। और भाई शादी वाले व्लॉग देखने हैं तो भाई 10,000 कमेंट करा दो। बाकी क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ। अब जब बहन की शादी खत्म होगी तो इसको तो भाई तबाही वाली राइड होने वाली है, तबाही वाली। तो व्लॉग कर देते हैं, कीप गोइंग, कीप स्पीडिंग, साइन ऑफ जेटन। क्या कर रहे हो भाई? फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल।